यार कुछ भी कहो, सुबह सुबह घर में साइकिल चला के मजा ही आता है। सिंचन तो गाइज अपनी साइकिल को कभी चलाता नहीं है, तो इसलिए गाइज उसकी साइकिल मैं ही चला लेता हूँ, ताकि यार इसकी साइकिल में जंग वगैरह न लग जाए। और ये देखो सिंचन ने यार इतना सारा सामान बाहर फेंक रखा है, लेकिन दिख नहीं रहा ओए चौप के बच्चे सिंचन का है। अब भाई सबको ले, वो गया अपने दोस्तों को बुलाने के लिए। अच्छा दोस्तों को बुलाने के लिए गया है। गाइज ये देखो यार इसने कितना सारा सामान पैक कर रखा है। आज गाइज हम पिकनिक पे जाने वाले ना, इसलिए गाइज सिंचन ने बहुत सारा सामान पैक कर रखा है। और ये देखो यार यहाँ पर मैंने चौप के लिए गाइज पिछले महीने यार टीवी भी लगवाई थी, क्योंकि गाइस चॉप कह रहा था यार इसको टीवी देखनी है, घर में ये काफी ज्यादा बोर हो जाता है। और गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है गाइस, देखो मेरे घर के आगे यार बोट, गाइस ये पिछले दो महीने से मेरे घर के आगे खड़ी है। पता नहीं गाइस कौन यार इस बोट को मेरे घर के आगे खड़ी करके चले गया है। और गाइस वो बंदा पिछले दो महीने से आया ही नहीं है इस बोट को लेने के लिए। मैंने गाइस पुलिस कंप्लेन भी करी है, मैंने पुलिस वाले से बोला भाई इसको मेरे घर से हटा दो, क्योंकि यार ये काफी जगह घिर रहा है। लेकिन गाइस पुलिस वाले आते हैं और कुछ कहते नहीं है, बस आके चले जाते हैं। मैंने उनसे बोला कि मैं इस बोट को बेच दूंगा भाई हटा दो, तो भी कुछ नहीं कहते। गाइस एक काम करता हूँ, जब तक सिंचन अपने दोस्तों को बुला के लाता है ना, जब तक गाइस मैं चलता हूँ पुलिस स्टेशन और यार उनसे पूछ के आता हूँ, या तो इस बोट को हटा दो वरना मैं इस बोट को बेच दूंगा। वैसे कुछ भी कहो यार, अगर इस बोट को मैं बेचूंगा ना तो मेरे को काफी अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। अरे लिटिल सिंघम कहाँ है भाई, तेरे पापा इस बिल्डिंग में यार, तेरे पापा तो कहीं दिख नहीं रहे। अब सिंचन भाई ढूंढ मेरे पापा यही कहीं होंगे। गाइस यार लिटिल सिंघम का यार नया घर बनना है ना, तो यार लिटिल सिंघम के घर में मैंने उसके पापा को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि यार लिटिल सिंघम के पापा ने यार उसे पिकनिक पे जाने नहीं दे रहे। हम सारे दोस्त यार आज ना पिकनिक पे जा रहे हैं, क्योंकि यार हम संडे को पिकनिक पे जाते हैं ना, लेकिन यार लिटिल सिंघम के पापा से जाने नहीं दे रहे। अभी मैं लिटिल सिंघम के पापा से इजाजत लूंगा, बोलूंगा कि अंकल जाने दो यार इसको भी पिकनिक पे, लेकिन मेरे को तो कहीं दिख नहीं रहे। अरे लिटिल सिंघम के बच्चे कहाँ हैं यार, तेरे पापा यहीं से कूदे। अरे बाप रे, नहीं नहीं लग गई यार मेरी, चलो कोई बात नहीं। अब सिंचन मेरे को तो ऐसा लगता है भाई पापा है नहीं, पापा गए हुए जॉब पे। अंकल से पूछता हूं, अंकल यार मैं क्या कह रहा हूं, आपने लिटिल सिंघम के पापा को देखा जो ये घर बनवा रहे? बेटे मुझसे फालतू मत बोलियो, आज मैं बहुत गुस्से में हूं, समझ रहे ना? तेरे चाटे बजा दूंगा, चाटे बजाएगा यार मैं तेरे से कुछ कह रहा हूं, ये ले घुसा अब तू पिटेगा। अरे गिरा दिया गिरा दिया। ओ सिंचन के बच्चे ऐसे क्यों मार रहा है भाई, फिर ये मेरा घर भी नहीं बनाएगा। या फिर एक काम करते हैं, मैंने रात पापा से पूछा तो था, पापा ने बोला कि चले जाइयो, तो एक काम करते हैं चलते हैं ना पिकनिक पे। सिंचन आजा भाई चलते हैं, पापा से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी आ सिंचन। अरे पर भाई अभी तो तू कह रहा था कि यार तेरे पापा से इजाजत लेनी पड़ेगी, तो यार हम तेरे पापा से इजाजत लेने ही तो आए थे। अब सिंचन मेरे पापा ने रात बोल तो दी थी कि चले जाना। अरे तो तू पागल, लेकिन लिटिल सिंघम जब तेरे पापा ने रात बोल दी थी कि पिकनिक पे चले जाना, तो यार तू मेरे से अभी क्यों आया उनसे बुलवाने के लिए? अब सिंचन मैं तो भाई ऐसी मौज मस्ती कर रहा था, अब जल्दी बता क्या लेना है खाने पीने के लिए, क्योंकि भाई बस में हमको बहुत सारी चीजें खानी होंगी ना। चलो यार मैं इस ट्रक को लेके पुलिस स्टेशन पे तो पहुंच चुका हूँ। और गाइज आपको पता है आना गाइज हम पिकनिक भी यार इसी ट्रक से जाने वाले हैं, क्योंकि गाइज जब भी मैं बस वालों से बस लेके आता था ना यार, वो रेंट काफी लेते थे बस का, इसलिए गाइज मैंने डिसाइड करा है आज मैं जाऊंगा इसी बस से। अरे क्या लगा रखा है, बस बस क्या कहना चाहता है? अरे सर बस नहीं सॉरी ट्रक कहना चाहता। अरे ये बता हमारे पास क्यों आया? लेकिन सर लगता है आज आप काफी खुश हो, डांस कर रहे हो। डांस तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे ना। अरे सर वो जो मेरे घर के आगे बोट खड़ी है ना, प्लीज यार उसका कुछ करो वरना मैं उसको बेच दूंगा। अरे तू एक काम कर, मेरे सर पे बहुत टेंशन है ना, तू उसको बेच ही दे समझ रहा है, लेकिन आज के बाद हमारे पास मत आइयो ठीक है, उस बोट की शिकायत लेके तू उसे बेच दे समझ रहा है ना, बेच दे बेच दे। अरे वाह ये तो गाइस काफी गुड न्यूज दे दी, अब आएगा ना इसलिए मजा। गाइस सोचो यार उस बोट का हमको कितना पैसा मिलने वाला है, मजा ही आ जाएगा। अगर गाइस उस बोट को मैं बेच दूं और मेरे को अगर 1,00,000 रुपए भी मिल जाए ना, तो यार 1,00,000 रुपए में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चलो एक काम करता हूँ फटाफट से घर की तरफ निकलता हूँ, और गाइस जैसे सिंचन के सारे दोस्त आ गए होंगे ना उनको बिठाता हूँ इसके अंदर, और उसके बाद गाइस जो अपनी बोट है ना उसको गाइस इस ट्रक के पीछे ही बांधेंगे और निकलते हैं गाइस पिकनिक के लिए, और रास्ते में गाइस इसको बेच देंगे हम बोट को। तो गाइस मैं अपनी गली के अंदर तो पहुंच चुका हूँ, और मैं तो गाइस आज काफी एक्साइटेड हूँ। और ये देखो यार अपने ट्रक को कहीं भी चढ़ जाता है। गाइस इस ट्रक के अंदर ना काफी ज्यादा पावर है यार, और इससे हम ऑफ रोडिंग भी कर ही सकते हैं, क्योंकि इसके जो टायर है यार ये बाउंस भी होते हैं। ये लो अपने घर पे ही पहुंच गया, लगता है सिंचन के सारे दोस्त आ गए। अरे लगता है यार फ्रेंकल भी आ गए, देख बंदर भाई फ्रेंकल भी आ गए। और अब आप फ्रेंकल भैया नमस्ते। अरे हाँ भाई नमस्ते, तो ठीक है सिंचन तेरे सारे दोस्त आ गए। और क्या फ्रेंकल भैया नाम, इतने सारे लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। अरे फ्रेंकल भैया मैं क्या कह रहा हूँ, इस बोट को बेच दो। और क्या भाई आज हम फाइनली इस बोट को बेचने भी जाएंगे। अरे सच बताओ फ्रेंकल भैया इस बोट को बेचोगे क्या? लेकिन फ्रेंकल भैया ये बोट तो हमारी नहीं है। अब सिंचन मैं ना पुलिस वाले से पूछ के आया हूँ, उन्होंने सिंचन मेरे को यार इजाजत दे दी बेचने की। अरे लग और गई, चलो कोई नहीं फटाफट से जाके सिंचन का सारा सामान लेके आता हूँ, उसके बाद निकलते हैं। तो फाइनली गए सिंचन ने जितना भी सामान पैक करा था ना वो सारा का सारा मैंने ट्रक के अंदर तो रख दिया है, और गाइस वो जो अपनी बोट थी ना मैंने गाइस वो इस ट्रक के पीछे भी बांध दिया। चलो फ्रेंकल भैया चलो, मैं तो बैठ गया। अरे रुक जा बंदर के बच्चे, मुझे तो बैठ जाने दे। चलो भाई सब बैठ के ना। अरे आप फ्रेंकल भैया सब बैठ गए, बस तुम चलो। लेकिन फ्रेंकल भैया लेके कहां जा रहे हो पिकनिक पे? और फ्रेंकल भैया यार आज तो हम इस ट्रक से जा रहे हैं पिकनिक पे। अबे सिंचन तू तो ट्रक के अंदर बैठा भी नहीं है, तू तो सिंचन इस बोट के ऊपर बैठा है। और फ्रेंकल भैया एक बार इस बोट को बेच दो, उसके बाद फ्रेंकल भैया उन पैसों से ना पार्टी करेंगे जब बोट को बेचोगे तो। अरे फ्रेंकल भैया मैं क्या कह रहा हूँ, इस लिटिल सिंघम की बात ना कुछ भी मत सुना, ये लिटिल सिंघम पागल है, कुछ भी कहते रहते हैं, हमारे तो समझ नहीं आता। अरे हाँ
यार लिटिल सिंघम पागल है फ्रेंगल भाई यार, इसके पापा ने रात इसको बोल दिया था कि पिकनिक पे चले जियो, फिर भी यार मेरे को लेके चले गया वहाँ बिल्डिंग पे। अब सिंचन सच बताऊँ तो भाई उस बिल्डिंग पे ले जाने का मेरा मकसद ये था कि भाई तुझे अपना घर दिखाऊँ, समझ रहा है ना। अच्छा यार फिर वो तो मेरे को कभी भी ले जा सकता था, आज तेरी इस वजह से पता है हम लेट भी हो सकते थे पिकनिक जाने के लिए। वैसे सिंचन भैया ये बताओ तुम खाने पीने के लिए क्या ले जा रहे हो? भैया हमको तो भूख लग गई। अरे बड़ी जल्दी भूख लग गई, पहले यार पिकनिक की लोकेशन पे तो पहुंच जाते उसके बाद दिखाएंगे कुछ। वैसे सिंचन तुझे क्या लगता है हमको इस बोट को यार कहाँ पे बेचना चाहिए? हाँ यार सिंचन इसको सिंचन हम ना बीच पे चलते हैं, बीच पे सिंचन काफी अमीर अमीर लोग आते हैं और सिंचन वहाँ पर पक्का इस बोट को कोई खरीद ही लेगा। वैसे फ्रेंगल भाई तुम्हें क्या लगता है कितने में बिकेगी ये? बिक जाएगी सिंचन, ये काफी ओपी लग रही है बोट, बस सिंचन ये खराब ना हो। अगर सिंचन ये खराब नहीं हुई ना तो सच में काफी महंगी बिकेगी। और गाइस जब तक हम यार अपनी लोकेशन पे पहुंच रहे हैं आप लोग गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और गाइस आज की वीडियो पे ना यार लाइकों की बरसात करा दो। गाइस आप जितने लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हो ना सारे मेरे प्यारे वाले दोस्तों, गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस अभी हम सारे लोग यार बीच पे तो पहुंच चुके हैं। सिंचन तुझे यहाँ पे कोई बंदा दिख रहा है क्या? अरे मुझे तो बंदे ही बंदे दिख रहे हैं फ्रेंगल भाई, सब लोग यार यहाँ पे तो पिकनिक मनाने निकले हैं। और फ्रेंगल भाई हम क्या कर रहे हैं, हम भी यहीं पे पिकनिक मनाए क्या? अरे नहीं फ्रेंगल भाई हमको पिकनिक मनाने निकले कोई बढ़िया सी लोकेशन पे लेकर चलो। रुक जा भाई मेरे को सामने एक बंदा तो दिख रहा है, क्या पता सिंचन ये अपनी बोट खरीद ले। भाई बोट सच में सिंचन काफी बड़ी लग रही है, और क्या यार हमारी ट्रक से भी बड़ी लग रही है ये बोट। हेलो भाई साहब क्या नाम है आपका? क्या नाम है हमसे पूछ रहे हो क्या भैया? क्या नाम है? और क्या भाई आपसे ही तो पूछ रहा हूँ, लेकिन हम आपको जानते नहीं है। भाई मैं क्या कहता ये जो भाई तू बोट दिख रहे से खरीदेगा? अरे भैया जब से तुम यहाँ पे आए हो ना मैं इस बोट को ही देख रहा हूँ, आखिरकार तुम इस बोट को बांध के क्यों लाए हो? ये खराब है क्या? नहीं यार खराब नहीं है, तुम बताओ इसे खरीदोगे? भैया खरीद तो लेंगे लेकिन एक बार हमको इसे चला के देखना पड़ेगा। अरे हाँ भैया सही बात है, चला के तो देखना ही पड़ेगा। रुक जा बंदर के बच्चे मैं जाता हूँ और इस बोट को पहले खुद चला के देखता हूँ। अरे हाँ यार पहले फ्रेंगल भाई हम इसमें बैठते हैं और हमको थोड़ा घुमा के लाओ, उसके बाद बिकेंगे इसको। अरे हाँ सिंचन भैया ये बात तुमने सही करी। अरे फ्रेंगल भाई मुझे तो बिठा लो। अरे ये क्या कर दिया सिंचन? अरे बाबरे इसके अंदर तो बहुत पावर है सिंचन, जैसे मैंने एक बटन को प्रेस करा सिंचन भाई ये आगे की तरफ गई और अपना जो ट्रक है वो तो सिंचन पानी के अंदर चले गया, अब ये बाहर कैसे निकलेगा? अरे भैया इसके बाद में सोचना, पहले भैया हमको थोड़ा घुमा के दिया। तो गाइस अभी बोट के अंदर यार सारे लोग तो बैठ चुके हैं। चल सिंचन अब बारी है भाई इस बोट को राइड करने की। वाओ यार सिंचन इसके अंदर कितना मजा आ रहा है ना। अरे हाँ यार फ्रेंगल भाई इसको बेको मत यार, इसमें ना फ्रेंगल भाई हम डेली घूमेंगे। लेकिन सिंचन डेली हम पे काम क्या है? तुझे सिंचन स्कूल जाना होता है और मुझे सिंचन जॉब पे जाना होता है, तो सिंचन हम इसे डेली भाई चला कैसे सकते हैं? और अपने घर से सिंचन फिर हमको भाई बीच पे आना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं सिंचन इसको ना बेक देते हैं, और इसको बेकने के बाद ना बढ़िया से सिंचन मैं ना बाइक ले लूंगा। ओ फ्रेंगल भाई बाइक वाइक मतलब फ्रेंगल भाई हमको पार्टी देना? हाँ भाई पार्टी भी दे ही दूंगा। वैसे फ्रेंगल भाई कुछ भी कहो, मेरा मन कर रहा है यहाँ से जंप लगाने का, पानी में जंप लगा दूं क्या? अरे रहने दे यार, अंदर ना शार्क होगी तुझे खा जाएगी। और सिंचन के बच्चे ये भाई कोई बहुत बड़ा समुंदर नहीं है भाई, ये ना बीच है, यहाँ पर कोई शार्क वार्क नहीं होती। हाँ तो एक काम कर कचरा के बच्चे तू ना कूद ही जाओ फ्रेंकल भैया, और तेज चलाओ बहुत मजा रहा है, ये बोट की पावर तो बहुत है। और फ्रेंकल भैया अभी देखा आपने 200 स्पीड पहुंच गई थी यार इस बोट की। लेकिन सिंचन मेरे को ऐसा लगता है अभी ना हम गलत साइड आ गए, अब यार ये बोट इतनी बड़ी है ये मुड़ेगी भी नहीं। वो बंदा तो सिंचन उस साइड था और जो हमारा ट्रक है ना वो भी वहीं पे था। ये ले सिंचन ठुक और गई। अरे बहुत बढ़िया फ्रेंकल भैया हम तो फाइनली यार यहाँ पर भी आ गए। फ्रेंकल भैया कुछ भी कहो यार इस बोट को बेच दो, अच्छी तो है लेकिन फ्रेंकल भैया पैसे अच्छे खासे मिल जाएंगे अगर इसे बेचोगे तो। अरे यार मेरा ट्रक तो उस साइड है काफी दूर, लेकिन अब मैं वहां तक जाऊं कैसे? एक सेकंड, यहाँ पर यार कोई मैम आ रही है बढ़िया टॉय वाली कार लेके गिरावट दिया। अरे वाह फ्रेंगल बहन की कार कितनी मस्त लग रही है, अरे आंटी हमें दोगी क्या? ले सिंचन वो तो चली भी गई, आ सिंचन फटाफट से बैठ। लेकिन इसमें तो सिर्फ एक ही बंदा बैठ सकता है, तो तुम भाई पैदल पैदल आओ, मैं पहुंचता हूँ फटाफट से उस बंदे के पास और उससे बात करता हूँ भाई आखिरकार वो इसको यार कितने में खरीद सकता है। वैसे यार इसको तो मैं महंगी में ही बेचूंगा क्योंकि गाइस इस बोट के अंदर ना काफी ज्यादा पावर है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने तो इस बोट को चला लिया, मुझे तो मजा गया। अरे पर मैंने तो नहीं चलाई, मुझे तो मजा नहीं आया। अब बताओ मैं चलाऊ? अगर मैंने ये चलाई उसके बाद ही मैं पैसे डिसाइड करूंगा, समझ रहे हो ना। लेकिन यार मेरा ट्रक गाइस पानी के अंदर चले गया, अब इसको बाहर कैसे निकालो? और यार अभी हमको पिकनिक पे भी जाना है तो गाइस ये ट्रक तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। अरे तुम टेंशन मत लो, मेरे पास क्रेन है, मैं क्रेन को लेके आता हूँ, उससे ये बाहर निकल जाएगा। देखो गाइस इसके तो टायर भी धस गए। अरे यार ये बोट तो काफी कमाल की है यार, ये तो पानी के बाहर भी चलती है, देख यार अभी तो ये जमीन पे चल रही है लिटिल सिंघम। अब सिंचन भाई मजा आ रहा है, चला दे भाई सब कुछ तहस नहस कर दे भाई इस बीच का। अरे पागल हो रहा है क्या यार, ये सीधी तरफ जा नहीं रही, ये ले अब ये यार पानी में। लेकिन कुछ भी क्या यार ये बोट तो काफी कमाल की है, मजा ही आ गया यार इसे चला कर तो। अब ये ले मैंने जंप भी मार दी, बढ़िया यार पानी के अंदर कूद गया, वाओ यार अंदर से पानी कितना साफ है। चलो हमने अपनी क्रेन तो उठा लिया, अब चल के उन भैया का ट्रक बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद तो इनकी बोट को हम खरीद लेंगे क्योंकि अपने पास तो बहुत पैसा है, हम बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं। अरे देखो फ्रेंगल भाई वो क्या लेके आ गया, अरे वाह सिंचन ये तो क्रेन लेके आ गया। लेकिन सिंचन ये तो हमारी ट्रक से भी छोटी क्रेन है। अरे कोई बात नहीं फ्रेंगल भाई, देखते हैं यार इनकी क्रेन भी पानी में डूबी जाएगी। अरे ना ना डूबने तो मैं दूंगा नहीं, ये बहुत बढ़िया तुम्हारे ट्रक को पकड़ लिया है मैंने। अरे पकड़ लिया मतलब, ये देखो अब बाहर निकालूंगा।
होगा, ये निकल गया, बहुत अच्छे बाहर निकल गया। वाह सिंचन भाई, मैंने तो सोचा भी था इतना छोटी क्रेन सिंचन अपने इतने बड़े ट्रेन को बाहर निकाल पाएगी। बढ़िया सिंचन, ये बंदे ने तो अच्छा काम कर दिया। अब चलो इनकी बोट चला के देखता हूँ, अगर बोट अच्छी लगी चलाने में तो इनकी बोट खरीदूंगा। बढ़िया यार, इनका ट्रक तो बाहर निकल दिया। भैया जाए तुम्हारी बोट चलाने, लेकिन बोट कहाँ है? ओ भैया तुझे दिखने की बोट खड़ी है सामने, सामने की तरफ जाओ और बोट को चला के और भग मत जाइयो। अरे ऐसे कैसे भग देंगे? अरे नंगे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, 10 लाख रुपए में खरीदना हमारी बोट। 10 लाख रुपए में पहले मैं एक बार टेस्ट ड्राइव तो लेके आ जाऊँ, उसके बाद डिसाइड करूंगा कितने रुपए में खरीदनी है तुम्हारी बोट। ए इस पे तो एक बंदा भी बैठा हुआ है, लगता है ये पुलिस वाला है। ए चढ़ जाए। अरे चढ़ गया। ओ भैया क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है तू? अरे कुछ नहीं, टेस्ट ड्राइव ना लूँ इसकी, खरीदनी है मुझे ये बोट। भैया मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत तेज चला दो आज इस बोट को, मैं तो कह रहा हूँ आज इस बोट को इतनी हवा में उछाल दो और कोई टायर इस पे लेकर चले जाओ। अरे लगता है बच्चे तू पागल हो चुका है, चुप रहे थोड़ी देर, मजा आ गया इस बोट को चलाने में तो। चलो फटाफट से रेट डिसाइड करते हैं इसके और उसके बाद इसको खरीद लेता हूँ और डेली आके यहाँ पे अपनी बोट को चलाया करूंगा। और ये लोग कूद गया, गिर भी गया मैं तो। लगता है गाइस इस बंदे को ना हमारी बोट काफी पसंद आ गई, ताली पे ताली बजा रहा है। अरे तुम्हारी बोट हमको पसंद आई है, बताओ कितने में दोगे? सिंचन तुझे क्या लगता है कितने में देनी चाहिए? अरे दे दे फ्रेंगल भैया, हमारी थोड़ी ना 5 लाख में दे दो। 5 लाख? चलो हम इस बोट की तुमको 9 लाख रुपए देंगे खुश। बढ़िया यार, इस बोट के हमको 9 लाख रुपए मिलेंगे। चलो मैं अभी अपने घर पे कॉल करके पैसे मंगवाता हूँ, इतने तुम यहाँ पे थोड़ी मौज मस्ती कर लो। और फ्रेंगल भैया तुमने पिकनिक पे लेकर चलो। अरे हाँ चलो फ्रेंगल भैया इतने पिकनिक पे चलते हैं। एक काम करो तुम मेरा नंबर रख लो, समझ रहे हो ना मैं चोर नहीं हूँ, बहुत अमीर खानदान से हूँ मैं, मेरे पास बहुत पैसा है। आ सिंचन हम पिकनिक पे चलते हैं। और फ्रेंगल भैया मैं ला रहा हूँ इसका नंबर, कहीं चोर भाग ना जाए। अरे ऐसे कैसे भाग जाएगा? चलो भाई अपनी यार हमको इस क्रेन से जाना पड़ेगा अब तो पिकनिक पे, जल्दी बैठ जाओ भाई सारे के सारे। अरे फ्रेंगल भैया सामने की तरफ बस भी है। तो अभी गाइस हम सारे लोग यार इस क्रेन के ऊपर तो बैठ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं गाइस सामने की तरफ। सिंचन बता रहा है गाइस सामने ना बस की शॉप है। अरे बस की शॉप नहीं फ्रेंगल भैया यार, वहाँ पर ना हमको बस फ्रेंगल भैया रेंट पे मिलती है। ओ बढ़िया फ्रेंगल भैया बढ़िया। अरे ये क्या कर दिया? अरे गिरा मैं तो गिरा। अरे अरे गिर गया। चलो फ्रेंगल भैया तुम जाओ, मैं पैदल आ जाऊंगा। हाँ तो मैं तेरे लिए रुकने थोड़ने वाला था कचरा के बच्चे, मैं कचरा से सिंचन बोला था आगे की तरफ बैठ, लेकिन ये तो पीछे की तरफ खड़ा हो गया। अरे देखो फ्रेंगल भैया सामने बस ही खड़ी है, अब आएगा ना सिंचन असली मजा। अब सिंचन हम बस से चलेंगे सिंचन वाटर स्लाइड पार्क में और वहाँ पर चलेंगे सिंचन बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे। लेकिन यार यहाँ पे बस का ओनर कौन है मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा। इधर इधर इधर, मुझे लगता है तू मेरी बस लेने को लाया है, मैं समझ ही गया था इतनी भीड़ देख के तुम हमारी बस को खरीदोगे। अरे टकले भाई मैं तेरी बस को ले जाने के लिए आया हूँ, तू मेरी क्रेन को रख ले, उसके बाद जब मैं तेरी बस दे जाऊंगा ना तो मैं तुझे पैसे भी दे दूंगा। बेटा तुझे पता है 10,000 रुपए लूंगा इस बस के। गाइस इसलिए मैं अपना ट्रक लेके आया था क्योंकि ये जो बस वाले बंदे ना बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं यार बस को रेंट पे देने के लिए। जल्दी सारे बैठो। फाइनली गाइस हम जितने भी लोग थे ना यार सारे के सारे बस के अंदर तो बैठ चुके हैं। सबसे पहले तो फ्रेंगल भाई कचरे का बच्चा बैठा है इस बस के अंदर क्योंकि फ्रेंगल भाई ये गिर गया था ना। अरे सिंचन के बच्चे मजाक मत उड़ा भाई, वो ट्रक गिरा ना वैसे ही भाई मैं नीचे गिर गया। अरे पर फ्रेंगल भाई एक प्रॉब्लम होगी यार, हमारा सारा सामान तो यार उस ट्रक के अंदर ही, अब क्या करें? अरे छोड़ सिंचन के बच्चे यार उस सामान को छोड़, अब तो हमारे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है तो फ्रेंगल भैया नया सामान दिलाएंगे ना। और वैसे भी फ्रेंगल भैया तो वाटर पार्क लेके जाना है ना, वहाँ पर तो बहुत कुछ मिलता है फ्री में खाने पीने को। अरे हाँ यार फ्रेंगल भैया वहाँ पर तो यार सब कुछ खाने पीने को मिलेगा लेकिन फ्री में थोड़ी ना मिलता है। सिंचन तुझे पता है आज ना सिंचन वाटर स्लाइड पार्क की टिकट एकदम फ्री है, इसलिए तो सिंचन मैं तुमको वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। अरे सच बताओ फ्रेंगल भैया उस पार्क की तो यार टिकट बहुत ही ज्यादा महंगी थी। और फ्रेंगल भैया वो देखो बगल में। अरे वाह सिंचन बगल में तो अपना इंडिया गेट है, पिछली बार सिंचन पिकनिक पे हम यहीं पर तो आए थे। अरे हाँ यार मुझे याद आ गया फ्रेंगल भैया, पिछली बार तो हम इंडिया गेट ही आए थे यार घूमने के लिए, लेकिन इस बार जा रहे हैं हम वाटर स्लाइड पार्क में, वहाँ पर जाके फ्रेंगल भैया बहुत मस्ती करेंगे जब तक वो बंदा यार पैसों का जुगाड़ कर लेकर। तो चलो यार हम वाटर पार्क के अंदर तो पहुंच चुके हैं, अब बताओ भाई सबसे पहले तुम क्या करने वाले हो? सबसे पहले तो फ्रेंगल भैया हम स्विमिंग पूल में नहाएंगे क्योंकि फ्रेंगल भैया यार मेरे ऊपर ना इसने चटनी भी खेर दी यार बंदर के बच्चे ने। और सिंचन भैया तुम ही समोसे ऐसे खाते हैं। गाइस अभी मैंने यार दुकान से इनको समोसे दिला दिए थे तो यार इन्होंने एक दूसरे के ऊपर चटनी भी खेर दी। कोई दिक्कत नहीं भाई तुम फटाफट से नहा लो, मैं तो गाइस बोट चलाने वाला हूं। यहां का ये जो गाइस स्विमिंग पूल है ना ये सच में यार काफी बड़ा है और अभी ना गाइस हम काफी ऊपर है यार। ये वाटर पार्क गाइस एक बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ है और गाइस ये बिल्डिंग यार लॉस सैंटोस की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। अरे फ्रेंगल भाई यार तुम करने क्या वाले हो अभी? सिंचन भाई मैं तो जा रहा हूँ भाई वाटर स्लाइड पे और उसके बाद सिंचन वहां से भाई स्लिप मार के एकदम बढ़िया यार जंप मारूंगा अपने यार स्विमिंग पूल के अंदर। तो गाइस मैं ऊपर तो आ चुका हूँ और गाइस यहाँ से नीचे का व्यू देखो यार, अभी मैं कितने ऊपर हूँ। और यार ये बारिश का मौसम कैसे हो गया, एकदम काले बादल आ चुके हैं, लग रहा है गाइस काफी तेज बारिश आएगी। ये लो भाई क्या ओपी वाली स्लिप मारी, लेकिन भाई मैं उल्ट पुल्ट कैसे हो गया, मेरे को तो भाई चक्कर भी आने लग गए। अरे ये क्या हुआ मैं फिसल क्यों रहा? और ये लो भाई दोबारा से फिसलने लग गया, मजा ही आता है गाइस कुछ भी कहो यहाँ से फिसलने में तो। अरे फ्रेंगल भाई यार रुक जाओ मैं भी आ रहा हूँ, हाँ तो सिंचन आ जाना, लेकिन भाई मेरी तो पूरी खोपड़ी उल्टी पुल्टी हो गई। अरे वाह यहाँ पर तो बारिश भी स्टार्ट हो गई, अब आएगा ना स्लिप मारने में मजा। अब देखो फ्रेंकल भैया मैं कैसे स्लिप मारता हूँ, ये लो बढ़िया मजा ही आ गए। लेकिन यार ये जो मेरे बाल है ना ये बीच में अटक जाते हैं, अपने बालों को कटवाना पड़ेगा, बहुत बड़े बाल हो गए।
सारे कचरा के बच्चे, अब देखियो मैं कैसे स्लिप मारूंगा, तुमको तो स्लिप मारना भी नहीं आता। अरे रुक जा सिंचन भाई, मैं स्लिप सही ढंग से मार ही नहीं पा रहा, खड़ा हुआ। अब देखियो सिंचन कैसे स्लिप मारूंगा, ये लो बहुत बढ़िया यार, स्लिप पे स्लिप मारूंगा, स्लिप पे स्लिप। अरे जाना कचरा के बच्चे, तूने बिल्कुल भी अच्छी स्लिप नहीं मारी, मैं मारूंगा सबसे बढ़िया स्लिप। तो गाइस देखो यार, मैंने ऊपर यार नीचे से कार लेके आ गया, नीचे ना गाइस बहुत सारी छोटी छोटी कार खड़ी थी, तो मैंने सोचा यार कार ऊपर लेके चलते हैं और कार से स्लिप मारेंगे। हाँ ये देखो यार, और मैं ना दूसरे वाले वाटर स्लाइड से जाऊंगा, अब आएगा इसलिए मजा यार, देखते हैं कार अपनी स्लिप होगी नहीं होगी। अबे सिंचन भाई, ये कार अगर भाई दूसरी तरफ चलेगी ना तो सिंचन तू तो नीचे ही गिरेगा। अरे फ्रेंगल भाई तुम टेंशन मत लो यार, ये कार तो यार खुद ब खुद चल रही है, मैं फ्रेंगल भाई बिल्कुल भी एक्सीलरेटर नहीं दे रहा। और सिंचन के बच्चे तू तो गया, ओ फ्रेंगल भैया देखो ना फ्रेंगल भैया क्या कर रहा है। अरे भाई तुम तो बस लड़ते ही रहना। ये लो फ्रेंगल भाई यार, पानी के अंदर एकदम बढ़िया वाली जंप मार दी मैंने, तो मजा ही आ गया यार, पानी कितना साफ है यहाँ का। अच्छा तो लोगों को बारिश में भी चैन नहीं है, बारिश में भी मेरे अड्डे पे आए हैं और यहाँ पे आके मजे कर रहे हैं। आज के दिन फ्री टिकट की होती है, क्योंकि आज मैं अपने अड्डे पे आता हूँ ना, तो अड्डे पे आके सब लोगों को परेशान करता हूँ, जो भी मेरे अड्डे पे आता है। नीचे गिरा बड़ी तेजी स्पीड से, गिर गया, लेकिन मेरे लगती नहीं है क्योंकि मेरे कभी लग ही नहीं सकती, पहले इन लोगों को मजा चकाया जाए। आज के दिन इस वाटर पार्क की टिकट इसलिए तो फ्री होती है क्योंकि आज के दिन मैं लोगों को पूरी तरह से तंग कर देता हूँ। देखो तो सही है, जो लोग यहाँ पे मस्ती करने के लिए आए हैं कहाँ पे, ये मुझे दिखाई तो दे नहीं रहे, पहले इनको मैं ना चौंका देता हूँ एक मैजिक दिखा के, उसके बाद जब ये चौंक जाएंगे फिर इनको परेशान करूंगा तड़पा तड़पा के, फिर आएगा मुझे स्ले बाजा। अंतर मंतर जादू मंतर छू मंतर, ये लो बना दिया ना घर छू मंतर से, अब ये लोग चौंक जाएंगे। अरे यार अब तो यार मेरे को काफी ज्यादा ठंड लग रही है, चलो चल के यार बस के अंदर बैठता हूँ, और जो भी फ्रेंकल भैया ने समोसे लेते ना वो दोबारा से खाता हूँ। ये घर तो यार यहाँ पे अभी तक नहीं था, फ्रेंकल भैया से पूछना पड़ेगा। फ्रेंकल भैया ये जो पीछे घर देख रही हो, ये घर पहले था? अबे कौन सा घर सिंचन, तुझे कौन सा घर देख गया? अरे पीछे देखो फ्रेंकल भैया, सच में पीछे कोई घर है यार, वो घर पहले था नहीं। अबे सिंचन मेरे ख्याल से पहले घर होगा यार, इतनी जल्दी ये घर यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा? अरे यार मैंने देखा था फ्रेंकल भैया, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था लेकिन अचानक से घर बन गया, अब ये क्या है यार, ये दीवार कहाँ से आ गई? अबे सिंचन भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये दीवार हमारे सामने कहाँ से आ गई भाई अचानक से? मैं कह रहा था ना फ्रेंकल भैया, वो घर भी ऐसे ही हमारे सामने आया होगा यार अचानक से। लेकिन सिंचन ऐसा हो कैसे रहा है? मुझे तो लगता है यार यहाँ पे कोई भूत है। चले फ्रेंकल भैया फटाफट से निकलते हैं, वैसे भी इस वाटर पार्क में सिर्फ हम ही लोग हैं यार। अरे ये कौन है अब? मुझे नहीं पहचाना तूने बिल्कुल भी। अच्छा ये ले, बहुत बढ़िया यार, एक घूसे में इसको मैंने गिरा तो दिया, लेकिन ये है कौन है गाइस? पक्का यार ये जो गाइस हमारे आगे वॉल आई है ना अचानक से, इसी बंदे का गाइस कोई काम है। लेकिन ये है कौन? ये मेरे को पांडा टाइप लग रहा है। अरे बाप रे, एक साथ इतने सारे पांडा यहाँ पे कैसे आ गए? अब तो यार मेरे को भी काफी डर लग रहा है। चलो यार फटाफट से यहाँ से निकलना होगा, अपनी बस लेते हैं और निकलते हैं। सिंचन और सिंचन के दोस्त कहाँ गए भाई? अरे बच्चे तुझे एक बात बोलूं, मेरे को कभी कोई हरा नहीं सकता न मार सकता, तूने क्या सोचा तू मुझ में घूसा मारेगा और मैं मर जाऊंगा? कभी नहीं मर सकता। अरे भाई तू जो कोई भी है प्लीज भाई हमारा पीछा छोड़ दे। बेटा मेरे पे आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया, मुझे काफी अच्छा लगा तेरी बहादुरी देख के, तूने मुझ पे हाथ उठाया। देख तुझे एक और जादू दिखाता हूं, अंतर मंतर छू मंतर, ये ले। यहाँ पर ये जितना भी सामान देख रहा है ना, ये सारा का सारा सामान तेरा है, मैंने तेरे लिए मांगा है तेरी बहादुरी देख के। अरे यार वो पांडा कहाँ चले गया? लेकिन गाइस देखो उस पांडा ने यहाँ पे कितनी सारी सुपर कार मांगी है, और गाइस काफी सारा पीछे गोल्ड भी है डायमंड भी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार? लगता है गाइस उसके अंदर ना काफी सारी मैजिक पावर है, जब भी तो गाइस वो ये सब चीजें कर पा रहा है। और सामने की तरफ देखो यार इतना सारा गोल्ड, मतलब गाइस अगर मैं इस गोल्ड को बेचूंगा तो मेरे पास तो काफी सारे पैसे आ जाएंगे। और गाइस गोल्ड से भी ज्यादा महंगा तो यहाँ पे डायमंड है, जो कि अपने पास डायमंड भी आ चुका है। और ये डायमंड देखो भाई कितना ज्यादा चमक रहा है। चलो फटाफट चल के ना सिंचन और सिंचन के सारे दोस्तों को दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पर तो हम काफी ज्यादा अमीर हो चुके हैं, और गाइस हम कुछ ही देर में इतने अमीर बन गए। मैं तो गाइस अभी काफी खुश हो रहा था क्योंकि मेरे को 9 लाख रुपए मिलने वाले थे ना उस बोट के, लेकिन अब तो देखो यार मेरे पास काफी सारे सुपर कार आ चुके हैं और डायमंड गोल्ड पता नहीं क्या कुछ नहीं आ चुका। अब ना गाइस एक काम करता हूँ, फटाफट से यार यहाँ पे बहुत सारी ट्रक मंगाता हूँ, और गाइस यहाँ पे जितनी भी गाड़ी जितना भी सामान है वो सारा का सारा गाइस अपने घर पहुंचवाते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे गाइस हमको इस सामान का करना क्या है। और सच में अभी तो सिंचन काफी खुश होने वाला है जब इसको पता लगेगा अपने पास इतना सामान आ गया। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस? फ्रेंकल सिंचन आपके भाई, तो यार फटाफट गाइस अभी के इस वीडियो को लाइक कर दो और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस प्यार वाला बाय।